स्टूडेंट इलेक्शन है, फिर इसको एक्सटेंड करके स्टूडेंट कई ऊपर में बारी पड़ने से ये टिक नहीं है, ये मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, ये जो मैनिपुलेट किया जा रहा है। अंशु का भाई लोग बोलेगा किसको एक्सेप्ट करना है किसको नहीं करना। आई एम टायर्ड, इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए, किसी के लिए 2 महीना किसी के लिए साल होता होगा, मेरा लिए 14 साल। टुडे आई एम गिविंग दिस प्रेस स्टेटमेंट बिकॉज आई डोंट फील दैट द कंडक्शन ऑफ फोर्थ कमिंग अंशु इलेक्शन इज कंडक्टिंग सॉफ्टली। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट अंशु फॉर स्मूथ कंडक्शन ऑफ election as soon as possible, because in next month you know this UG exam is coming, November mein aapka abhi college ka election hone ko hai. So before that I would like to appeal the President Anshu and his team to conduct the election of 16th General Conference of Anshu jitna jaldi sakta hai karane se theek hai smoothly. और इतना गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने ना दे, क्योंकि जो हो रहा है सिस्टम से करना चाहिए, अगर कोई सिस्टम से नहीं कर रहा है तो हम कंडेम करता है। वाट एवर हाउ एवर इलेक्शन शुड कंडक्ट, इट शुड कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका थ्रो से इलेक्शन कराना चाहिए। और मैं जितने भी बोनाफाइड वोटर्स है अंशु के यहाँ पे निशी कम्युनिटी के, आई वुड लाइक टू अपील ऑल ऑफ देम दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन निशी कम्युनिटी। So be the part of change, be the part of revolution, elect and select the right leader, because you are a bona fide collegian now, you have capacity to select and elect the leader, because future is in your hand, so decide carefully. I would say ki jitna bhi abhi law and order problem dusra create karne ke liye kar raha hai, jahan pe hum dekh rahe hain mera fellow opponent kuch us candidates log hai jo president wagera ko blame kar raha hai, ye humko कुछ मेरा नॉलेज में नहीं है। हम चाहता है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी किया जाए नेक्स्ट मंथ, क्योंकि आपको बार बार बता रहे हैं नेक्स्ट मंथ यूजी का एग्ज़ाम है। तो सब स्टूडेंट्स को हम अपील करना चाहते हैं, आप लोग भी इसमें कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट करें कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी किया जाए, नहीं तो आपका स्टूडेंट इलेक्शन है, फिर इसको एक्सटेंड करके स्टूडेंट कई ऊपर में भारी पड़ने से ये टिक नहीं है। इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ निशी ट्राइब हम अपील करना चाहेगा कि फॉर अर्लियर एंड स्मूथ कंडक्शन ऑफ 16th General Conference of Anshu. Team of Anshu will decide, whatever constitution will decide, constitution जो decide करेगा वो हम भी decide, वो मेरा लिए हम accept करेंगे। Anshu का bylaw बोलेगा किसको accept करना है किसको नहीं करना है, वो Anshu का bylaw जाएगा। When I'm contesting in Anshu election, तो we should go with the Anshu bylaw. ये ब्लेम गेम तो एक दूसरे को खेलते रहेगा, तो ब्लेम गेम को इलेक्शन का बाद भी खेलते रहने से ठीक है, इलेक्शन को जल्द से जल्द कराने से ठीक है। We have more than 10,000 students. Few numbers cannot decide, they are the majority. ये mob lynching किया जा रहा है, ये जो manipulate किया जा रहा है। आप 10,000, हमारा निशी में 10,000 स्टूडेंट होगा, तो 10 में से 6-7,000 बोलता है, बोले आप विश्वास करना है, या में से घर का लड़का, मेरा घर में हमारा फैमिली में ऐसे काउंट करने से 200-300 आदमी होगा, तो वो 200-300 आदमी बोलने से वो जो समाज में वो सिस्टम जो नहीं बन जाता है। आप देखना है कि आप एग्जिट पोल कराइए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें देखिए क्या होता है। और वैसे अभी जो है अंशु का यहाँ पे इलेक्शन ये कंडक्ट का चेयरमैन जो है वो सस्पेंशन ऑर्डर अभी निकाल चुका है, तो ये जो है इलेक्शन को जो है सस्पेंड किया जा रहा है और ये आज ही निकला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नो ये आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, ये सस्पेंशन के बारे में मेरे को आइडिया नहीं। आप एज एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ द प्रेसिडेंट, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे जो है किसका रोल हो सकता है यहाँ पे डिवाइडिंग का, आज प्रोटेस्ट हो रहा है? एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया, मतलब हु इज द मैन बिहाइंड दिस यू नो मॉब लिंचिंग, बट कोई तो होगा। बट एज ए कैंडिडेट आई फील करता है कि इलेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब तक वोटिंग नहीं होगा, इट्स कॉल्ड सेक्रेट बैलॉट, जब तक सेक्रेट बैलॉट से आप जो ये आपका काउंटिंग नहीं होगा तो यहाँ कोई नहीं बोल सकता है मेरा है हम जीतेगा, क्योंकि सेक्रेट बैलॉट मीन से उसका माँ बाप भी पता नहीं चलता बेटा किसको वोट मारेगा। तो इसको एक डेमोक्रेटिक वे में आप अपना एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज कर देने रिश्ते के। ओके, अभी जैसे कि आपने कहा है कि यहाँ पे जो अंशु का इलेक्शन में जो है मतलब जो है इसको फेयर एंड प्रोसेस से जल्दी करवाना है, और बाकी जो अभी जो बाकी जो प्रेसिडेंट है, जैसे कि अगर हम एसडी लोडा का बात करें, वो अभी वहाँ पे अंशु ऑफिस पे मौजूद है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अनफेयर जो है हो रहा है, बायस वे में हो रहा है, तो आपका भी यही मुद्दा है कि आप जो है फेयर एंड जल्दी से कंडक्ट करवाना है? जो लोग वहां में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं उन लोग का बात भी आपके तरफ से सहमति एक साथ नहीं लग रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, वो लोग का ग्रीवेंस क्या है मुझे पता नहीं है, बट आई फील
बट माई ग्रेविडेंस इज आई एम प्लेसिंग इट, मेरा ग्रेविडेंस ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए। वो प्रेसिडेंट अंशु को हम रिक्वेस्ट करता है, मेरा टीम, मेरा सपोर्टर और मेरा तरफ से हम रिक्वेस्ट करता है कि इलेक्शन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बहुत थक चुका है। फॉर अदर्स इट मे बी 2-3 मंथ्स, 1 year, बट फॉर मी इट्स बिन ऑलमोस्ट 14 years आई हैड डिक्लेयर माई कैंडिडेचर। वेन आई वॉज इन DNGC आई वॉज यू नो वर्किंग एज एस्टम जर्नलिस्ट ऑफ DN कॉलेज, वाइल सीइंग द सिचुएशन ऑफ दिस स्टेट इन दैट टाइम आई डिक्लेयर इफ द रोटेशन विल कम टू ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट आई विल कंटेस्ट दैट देयर। So it's been almost 14 years I have declared my candidature. Okay, एक clear question है। जैसे आप aspiring candidate हैं, तो अभी जो है आप जो है पहले ही, बहुत पहले ही आपका जो है candidature को आपने declare कर दिया कि yes आप जो है एक president candidate के लिए एक दावेदार हैं। अभी ये जो है process जो है और lengthy हो रहा है। अब इसके regarding में लेके जो है आपको हम एक clear question पूछ रहे हैं कि president of the ANSU मतलब अभी जो है फर्स्ट रिक्वेस्ट है तो ये क्लियर बोला है, आई एम टायर्ड इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए। किसी के लिए 2 महीना, किसी के लिए साल होता होगा, मेरा लिए 14 साल। रामायण में जो राम का वनवास है उसी तरह मैं वनवास बैठा इतना साल, ना बिजनेस दिख से किया, ना कोई हम नौकरी हम दुना। मैं इस अनसुर प्रेसिडेंट पोजिशन को कंटेस्ट करने के लिए, हार जीत आने वाला कल का बात है, तो इसको कंटेस्ट करने के लिए मैंने 14 साल वेट किया, तो जल्द से जल्द करवाने से ठीक है।